जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर पुलिस की ओर से अनूठी पहल शुरू की गई। इस पहल के तहत जयपुर में पुरुषों की भांति पहली बार महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने यातायात की कमान संभाली। खास बात यह है कि पहली बार कमान संभालते हुए महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने जहां यातायात का बेहतर संचालन किया तो वहीं नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे। वहीं हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश से खास बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा इतिहास रचा है और ये इतिहास रचा है कि पहली बार देश के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि महिला ट्रैफिक पुलिस है जो पूरे जयपुर शहर की कमान संभाल रही है। तस्वीरों में देखेंगे आप जयपुर का ये गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा है और यहाँ पर के पास में तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर ट्रैफिक का संचालन कर रही है। तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से, देखिए कि लाइन को क्रॉस करके गाड़ी आ रही है, उसके बाद उनके साथ समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। ये यहाँ पर अमूमन देखने को मिलता था कि पुरुष जो थे वो ट्रैफिक पुलिस संभालते थे, कमान संभालते थे ट्रैफिक की, मगर आज यहाँ पर जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, उन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की और इस पहल के तहत यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर ट्रैफिक संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। बेहतर तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक का संचालन किया जा रहा है और यह मुहिम किस तरह लागू की है, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा सामने, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं ट्रैफिक में राहुल प्रकाश जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहली बार देखने को मिला है इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है कि जयपुर शहर की कि महिला ट्रैफिक पुलिस है वो ट्रैफिक का संचालन। आज चूँकि महिला दिवस था और पूर्व से एक ये परंपरा चली आ रही थी कि महिला दिवस पर महिलाओं को छुट्टी दिया करते थे। पिछली बार जब महिलाओं पुलिस कर्मियों के साथ में बैठ करके इस बात पर चर्चा कर रहा था तो ये बात निकल के आई कि महिला दिवस में तो महिला के सशक्तिकरण का संदेश जाना चाहिए, बजाय कि वो छुट्टी लेकर के ये बताए कि हमें अधिक सुविधाएं चाहिए या हम बराबरी का काम नहीं कर सकते। ये प्रस्ताव उनकी तरफ से था कि अगली महिला दिवस पे हम लोग ही जयपुर शहर के ट्रैफिक की कमान संभालें और उन्होंने एक चुनौती के तौर पर इसे लिया और आज हम लोगों ने 30 बिंदुओं पर सिर्फ महिलाओं को, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, बड़े ही ट्रैफिक के प्रेशर वाले बिंदु हैं, वो हमने महिला पुलिसकर्मियों को दिए हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो लोग। इसके पीछे हमारा मूल संदेश ये था कि जब कोई दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो सबसे ज़्यादा पीड़ा उस माँ को होता है जिसका बेटा या बेटी उस दुर्घटना में कालकल्पित होते हैं, घायल होते हैं। तो हम ये नहीं चाहते किसी भी माँ की गोद सूनी हो, किसी भी माँ के आँखों में आंसू आए। इसको एक मुहिम के तौर पर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और जो माएँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो किसी भी परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। अगर सभी माताएं और बहनें ये ठान लें कि हमें अपने परिवार में, हमें अपने पड़ोस में, हमें अपने ऑफिस में जहाँ भी हम काम करते हैं, सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है, हेलमेट पहनाना है, सीट बेल्ट पहनाना है, तो मैं मानता हूँ कि हमारा ये उद्देश्य सफल हो जाएगा। 30 पॉइंट चिन्हित किए हैं वहाँ पर महिलाओं की तैनाती की गई ट्रैफिक पुलिसकर्मी, आपने फीडबैक लिया होगा, कैसा इनको अनुभव हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा सवाल सर मेरा यह है कि क्या जयपुर शहर के अंदर इतना कंजेस्टेड होता जा रहा है, कितना फ़र्क आएगा इसके बाद अगर क्यों ना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को इसकी कमान संभाल ली जाए। महिला पुलिसकर्मी सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं लेकिन हमेशा से ये देखा गया कि वो लोग एक सहयोगी के तौर पे काम करती थी और आगे लीडरशिप उनके हाथों में नहीं था। हमने पिछले साल एक प्रयोग के तौर पे पिंक चौराहा बनाया था जो कि अजमेरी गेट का बड़ा ही व्यस्त चौराहा था और वहाँ पर सिर्फ महिलाओं के पास एक साल से कमान है और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हमारे पॉइंट संचालित हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनुशासित तौर पे आप देखेंगे कि अजमेरी गेट का ट्रैफिक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब महिलाओं को हम कमान देते हैं तो पुरुषों से बेहतर काम करते हुए दिखाती हैं, इस प्रयोग को हम आगे और आगे बढ़ाएंगे। सख्ती कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, महिलाओं में अमूमन ऐसा देखा नहीं गया है, क्या ट्रैफिक पुलिस में जो महिलाएँ हैं उनको ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो सख्ती से भी पेश आएंगी, उसके लिए किस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि चालान भी काटे जाएंगे, समझाइश ही नहीं यहाँ पर सख्ती भी दिखे। मैंने जैसा आपको बताया था कि जब कोई दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है एक माँ को होती है, एक बहन को होती है, तो महिला पुलिसकर्मी इस बात को कहीं ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हैं हम लोगों से ज़्यादा कि वो पीड़ा क्या होती है। इसीलिए लोग सख्ती भी कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये सख्ती हम इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को परेशान करें, ये सख्ती इसलिए की जा रही है किसी माँ की गोद सूनी न हो, किसी की आँखों में आ। सर, क्या रेगुलर रहेगा फिर? हाँ, ये चीज़ को हम बढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने बताया अजमेरी गेट पर ये प्रयोग चल रहा है, हम इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे।
तो बिल्कुल, ये थे एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश जी, बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो दर्द होता है वो माँ का होता है, क्योंकि वो अपने लाल को, कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है वो अपने लाल को खो देता है, तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होती है कि माँ को ही होती है, और उसी नत के चलते यहाँ पर जो कमान है पहली बार यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है, महिला ट्रैफिक पुलिस को, और इसी के चलते आप देख रहे होंगे कि महिलाएं लगी हुई है, सुबह से ये पूरी ट्रैफिक की जो कमान है महिलाओं ने संभाली है, और कहा है कि आप पुरुषों को साइड में कर दीजिए, हम पूरे जयपुर शहर का जिम्मा लेंगे। अमूमन देखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर महिला सशक्तिकरण को देखते हुए यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर छुट्टी दे दी जाती थी, मगर ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आकर के, पूरे जयपुर शहर में 30 ऐसे पॉइंट हैं, यहाँ आकर के ये तमाम महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी है ट्रैफिक का संचालन कर रही है, साथ में सख्ती दिखाते हुए चालान भी काट रही है। कहीं ना कहीं इस प्रयोग के बाद ये बात देखने को मिलेगी कि जयपुर शहर में क्या महिलाओं के सशक्तिकरण की जो लगातार बात की जाती थी, लगातार पूरे देश में जो बात की जाती थी, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है यहाँ पर देखने को मिला है, और उसका असर यही होगा कि आने वाले समय में, जैसा कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं राहुल प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को ये जिम्मा पूरी तरीके से सौंपा जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ यादव शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।